प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। इस दिन के लिए प्रभु आपने एक बार फिर से संभव किया हम सबों के लिए प्रभु, कि हम अपने अपने स्थानों में रहकर प्रभु एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर सके। प्रभु हम जहाँ कहीं पर भी हैं प्रभु, आज आप हमसे बात करें प्रभु अपने वचन के माध्यम से। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, जब आपके गीतों को गाते हैं प्रभु आप ग्रहण योग्य हो। इस पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उसी परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे गीतों को गाते हुए। आइए ये समय होगा हमारे लिए कि हम परमेश्वर के गीतों को गाते हुए उसकी आराधना उसकी स्तुति करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। यशाया उसके 9 अध्याय उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of deep darkness, on them a light has shone. और छठे पद में यूं कहता है, For unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be on his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. आज की सुबह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, इन चार नामों को आप याद रखें। वंडरफुल काउंसलर, अगर आपके जीवन में कोई असमंजस है, प्रभु यीशु मसीह का वो नाम है जो आपको काउंसल देगा, आपको अगुवाई करेगा। दूसरा है ऑलमाइटी गॉड, अगर आप अपने जीवन में निर्बल महसूस करते हैं, वो एक महान ताकतवर प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी निर्बलता में आपका बल बनेगा। तीसरा है एवरलास्टिंग फादर, अगर आपके जीवन में निराशा है और आप अकेलापन महसूस करते हैं, वो एक पिता के समान आपसे प्रेम करता है। और प्रिंस ऑफ पीस, और वो शांति का राजकुमार है, वो आपके जीवन को शांति से भरना चाहता है। आइए जब हम इस क्रिसमस के सीज़न को अब हम अप्रोच कर रहे हैं, आइए उस राजाओं के राजा के इस दुनिया में आगमन को हम याद करें और उसको स्तुति आराधना देते हुए इस गीत को गाएं। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ,
छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, आंसुओं को पोछेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पोछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, निर्बल को बल देगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को छूलेगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को छूलेगा, शैतान भी कांपेगा, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम, हाँ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, उस नाम को हम सलाम करें, जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय हम करें, जिस नाम पे ये जमाना झुके उस नाम को हम सलाम करें, जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हाँ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
जय बोलो। हाँ यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, हम गाए सदा, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, हम गाए सदा, हाँ यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, हम गाए सदा। आइए आज की सुबह उसके जय गाएंगे, हम उसके नाम को अपने जीवनों में प्रोक्लेम करेंगे, सारे निराशाओं के बीच, सारे अशांति के बीच आज हम यीशु का नाम लेंगे, क्योंकि वो नाम इस दुनिया में शांति को देने आया, मुक्ति को देने आया। आइए इस विश्वास के साथ हम उसकी आराधना करेंगे कि आज वो हमारे जीवनों में उस मुक्ति को लाएगा, उस शांति को लाएगा, उस हीलिंग को लाएगा जिसकी हम तलाश में हैं। Of your name, every chain will break. I know everything will change. Jesus, just the whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name. आज आपके जीवन के हर एक तूफान को शांत कर सकता है वो नाम जो यीशु का है। आपके निर्बलता में आपको बल दे सकता है वो नाम जो यीशु का है। Let's speak the name of Jesus into our lives this morning. Let's speak the name of Jesus. Because just a whisper of his name is enough to silence wind and waves. Let us proclaim that name in our lives this morning. At the mention of your name, every chain will break. I know everything change. Jesus, just the whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name. You are my strength, you are my anchor, and you never fail. You are my hope, you will deliver, Emmanuel. You are my strength, you are my anchor, and you never fail. You are my hope, you will deliver, Emmanuel. Chain will break. I know everything will change. Jesus, just the whisper of your name will silence wind and wave at the mention of your name. Thank you.
I'm gonna lift up our hands and praise him. आइए अपने हाथों को उठाएं और उसको स्तुति दे, उसको महिमा दे. And let's sing this part together. You are my strength, you are my anchor, and you never fail. You are my hope, you will deliver. Emmanuel. Because he is Emmanuel, he is God with us. Let's believe it. Let's sing this together. You are my strength, you are my anchor, and you never fail. You are my hope, you will deliver, Emmanuel. You are my strength, you are my anchor, and you never fail. You are my hope, you will deliver, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से. यीशु तू ही, यीशु Jesus this morning. हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे साथ हमेशा रहती है. Thank you for being Emmanuel for us, Lord Jesus. Thank you for being the God who is always with us. आज प्रभु यीशु मसीह जो हमने अपने हृदय से आराधना आपको दी है, दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह की वो आपको ग्रहण योग्य होगी. प्रभु
and that you would accept this small offering, Lord Jesus. And as we remember your birth, Lord Jesus, into this darkness, जब आपके उस जन्म को याद करते हैं जब आपने इस अंधकार जैसे दुनिया में एक रोशनी बन के प्रभु यीशु मसीह आ पाए, वी वांट टू थैंक यू जीसस, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, हमें उस आशा में लाने के लिए प्रभु, हमारे जीवनों को निराशा से निकाल के शांति देने के लिए, थैंक यू फॉर बीइंग आवर प्रिंस ऑफ पीस, थैंक यू फॉर बीइंग आवर एवरलास्टिंग फादर, थैंक यू फॉर बीइंग आवर वंडरफुल काउंसलर, थैंक यू फॉर बीइंग आवर माइटी गॉड. आने वाले सारे समय को प्रभु यीशु मसीह इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं. पवित्र आत्मा आप अपना नियंत्रण लीजिए. आने वाले वचन के द्वारा आप हमसे बोलो, बातचीत कीजिए और हमें आशीष दीजिए. इस छोटी सी प्रार्थना को प्रार्थना हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी आराधना के लिए. ये समय होगा हम सबके लिए कि हम अपनी अपनी भेंट परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे और इसी समय एक गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाया जाएगा. रेवरेंड सुरेश मैसी आज हमारे बीच में है और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करेंगे. आप सबको जय मसीह की. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने ये मुमकिन किया कि फिर से मैं आपके सन्मुख आकर के परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकता हूं और हम सब मिलकर के एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं. जरूर दिसंबर महीना शुरू हो चुका है, जगह जगह लोगों की तैयारियां हो रही हैं. 25 दिसंबर को लेकर के, क्रिसमस को लेकर के लोग तैयारी कर रहे हैं. कभी कभी कुछ लोग सोच रहे हैं भाई क्या होगा इस साल, कोरोना के समय में किस प्रकार की कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे. लेकिन हम एक बात जानते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, तो परिस्थितियाँ क्यों ना, कैसी भी क्यों ना हो, हम जीवन से भी बढ़ करके हैं. मैं एक पद आपके सामने पढ़ूंगा जो हमें मिलता है आइज़या चैप्टर 9 अध्याय 9 और उसका 6 पद.
और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। नाम का महत्व होता है। अधिकांश लोग अपने नाम को लेकर के प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और जब पेरेंट्स भी माँ बाप भी जब नाम देते हैं वो भी सोचते हैं, समझते हैं और सोचते हैं ये मेरे बेटे के लिए, ये मेरी बेटी के लिए अच्छा नाम होगा। और इन मोस्ट केसेस वी नो दैट पीपल लाइक देयर नेम्स, यू नो, अपने नाम को पसंद करते हैं। हाँ, कहीं कहीं जरूर कुछ कुछ जगहों पर हमने ऐसा सुना है कि लोगों ने कहा अरे पता नहीं क्यों पापा ने मामा ने ऐसा नाम हमारा रख दिया। लेकिन नाम वास्तव में हमारे जीवनों के लिए महत्वकारी होता है। बाइबल में भी अगर देखे तो नाम का बहुत ही महत्व है। बाइबल में लोगों को नाम दिए गए और उस नाम के पीछे हम देखते हैं कि कोई ना कोई मतलब निकला या कोई ना कोई रीजनिंग रही। आइए देखें बाइबल में नाम के क्या क्या महत्व हैं। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो नाम जो है वो लोगों के चरित्र या कैरेक्टर को दर्शाता है। याकूब का मतलब धोखा देने वाला, और याकूब जरूर धोखा देने वाला था अगर शुरू के जीवन पर हम ध्यान दें उसके। उसके बाद से नाम जो है वो उस रिएक्शन को दर्शाता है जो बच्चे के पैदा होते समय पेरेंट्स या लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए एसाव, एसाव रोएदार पुरुष था, रोएदार उसके ऊपर रोए थे, और याकूब जो था वो उसकी उंगली को जोर से पकड़े हुए था, और ये कुछ दर्शाता है, और इसीलिए उनका नाम एसाव और याकूब रखा गया। फिर बाइबल में अगर हम देखें नाम जो है वो पारिवारिक आइडेंटिटी को बताता है। पारिवारिक आइडेंटिटी जो परिवार से जुड़ा हुआ है उसको दर्शाता है। जैसे कि दाऊद यीशु मसीह से 1000 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को 1000 साल के बाद क्या कहा गया, दाऊद की संतान। यानी कि पारिवारिक आइडेंटिटी जो बाइबल में हमें नाम को लेकर के बताया जाता है। इसके बाद से अगर हम देखें नाम के द्वारा परमेश्वर का संदेश लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है, किया गया बाइबल में या बताया गया, या परमेश्वर जो चाहता है बताना लोगों को वो, जैसे कि अब्राहम का नाम था अब्राम, लेकिन परमेश्वर ने उसके नाम को अब्राहम कर दिया और उसके द्वारा से एक संदेश जो परमेश्वर देना चाहता था कि अब्राहम आज की डेट में, आज के समय में तेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, 1000% असंभव की परिस्थिति है, लेकिन तू जो है वो राष्ट्रों का पिता होने जा रहा है, तू जो है वो बड़ी कौम का एक एंसेस्टर होने जा रहा है, मूल पुरुष होने जा रहा है। और हम जानते हैं कि अब्राहम जो है वास्तव में एक महान व्यक्ति बना, और उसके द्वारा से जैसा परमेश्वर ने कम्युनिकेट किया बड़ी जाति और जातियां बनाई गई। आज हम देखते हैं कि अब्राहम का नाम जरूर यहूदियों के बीच में तो महान है ही है, मुस्लिम्स के बीच में भी महान है, लोग उसको एक किस्म से मानते हैं, जानते हैं, पैगंबर के रूप में देखते हैं, और इसी प्रकार से क्रिश्चियंस के बीच में भी जो अब्राहम का नाम है वो महान है। तो नाम के द्वारा से परमेश्वर जो है वो कुछ ना कुछ संदेश कम्युनिकेट करना मांगता है, जो कि हम पाते हैं। उसके बाद से अगर हम देखें कि बाइबल में नाम जो है वो एक परमेश्वर के साथ अफिलिएशन को दर्शाता है, एक एसोसिएशन को दर्शाता है। यानी
कि जो नाम दिया जाता है वो परमेश्वर से एसोसिएट करके परमेश्वर के गुणों को प्रकट करता है, ये नाम का अर्थ है। उसके बाद से अगर हम और देखें तो नाम जो है, कई बार नाम जैसे अब्राहम से अब्राहम हुआ, याकूब से इसराइल हुआ, तो ये जो प्रक्रिया है ये एक नई शुरुआत को दर्शाती है, नए प्रारंभ को दर्शाती है और नए जीवन को दर्शाती है इस नाम को। तो हम देखते हैं कि बाइबल में नाम का काफी महत्व रहा है। यहां पर जो पद मैंने पढ़ा आइज़या चैप्टर 9 वर्स 6, यशाया नबी जो है लगभग यीशु मसीह के जन्म होने से 800 साल पहले एक भविष्यवाणी के रूप में इस वचन को लिखता है, इस वचन को बोलता है और यीशु मसीह को विभिन्न नामों से एड्रेस करता है या संबोधित करता है। और अगर यहां पर हम देखें तो 5 नामों के द्वारा से उसने यीशु मसीह को यीशु मसीह का संबोधन किया या उस नाम को लिया यीशु मसीह के लिए। पहला है जैसे अद्भुत, वंडरफुल। दूसरा है युक्ति करने वाला यानी कि काउंसलर। तीसरा है पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड। चौथा है कि सनातन का पिता, एवर लास्टिंग फादर। और पांचवा है शांति का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ पीस। तो इन नामों को लेकर के आइज़या जो है इस भविष्यवाणी को करता है, कुंवारी जो है एक जन्म देगी और यीशु मसीह के पैदा होने से 800 साल पूर्व यशाया नबी जो है वो इस भविष्यवाणी को करता है। और अगर हम इन नामों को देखें तो इन नामों के पीछे निश्चित रूप से संदेश छिपे हुए हैं, वो बातें छिपी हुई हैं जिन्हें हमें और आपको जानने की आवश्यकता है, जो कि हमारे जीवन में आशीष का कारण बन सकते हैं या बनते हैं अगर हम उन संदेशों को, उन बातों को जो इस नाम के पीछे छिपे हैं जाने माने और उसको अगर अप्लाई करें। आइए देखें इन 5 में नामों में क्या क्या चीजों को हम अपने जीवनों के लिए ले सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है अद्भुत, वंडरफुल। कई बार हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं किसी को हम सुनते हैं शब्द शेयर करते हुए, प्रचार करते हुए या कुछ करते हुए, इट्स वंडरफुल, यानी कि हम इस बात को दर्शाते हैं कि इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बट ही डिड इट। शायद हम सोच नहीं सकते थे लेकिन इसने कर दिया, कुछ अलग सा कर दिया, कुछ बड़ी बात कर दी। और यहां अगर हम देखें तो यीशु मसीह एक अजूबे तरीके से कुछ चीज कुछ बातों को हम देखते हैं या कुछ बातों को वो करता है। वंडरफुल, यीशु मसीह के पैदा होने से 2000 वर्ष पूर्व यशायाह जब ये भविष्यवाणी करता है तो हम पाते हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी होती है और फिर जो स्वर्गदूत हैं वो चेलों के पास ये संदेश लेकर आते हैं और कहते हैं मत डरो। और अगर हम इस बातों को गौर करें, यीशु मसीह के चरित्र पर गौर करें, यीशु मसीह के जीवन पर गौर करें तो निश्चित रूप से हम पाएंगे यीशु मसीह अपने में बहुत ही एक विशेष, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव, एक बहुत ही अद्भुत सा रहा है। उसके समान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। कई बार लोगों ने यीशु मसीह की सत्यता को छिपाने की कोशिश की लेकिन यीशु मसीह अपने में अनमैच्ड रहा, अद्भुत रहा और उस अद्भुतपन का ना कोई सामना कर सकता है, ना उसके समान हो सकता है। जरूर ये कुछ एक बातें मैंने पहले भी शेयर प्रचार करते समय शेयर की, यीशु मसीह अद्भुत रहा है,
यानो कई बार लोग कहते हैं ठीक है जी, यीशु मसीह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गुरु था, यानो अच्छी शिक्षा देता था, अच्छे अच्छे कार्य करता था, वो ठीक है, लेकिन और भी बहुत से लोग हैं जो ऐसे ऐसे रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं, बड़ा बड़ा कार्य किया है। ये ठीक है, हम मानते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन when it comes to Jesus Christ, यीशु मसीह के बारे में जब हम सोचते हैं तो यीशु मसीह अपने में unmatched था, और जो बातें उसके जीवन में हम देखते हैं वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव रही है, बिल्कुल विशेष रही है, चाहे वो उसके जन्म को लेकर के हो, चाहे वो उसके जीवन को लेकर के है। आइए कुछ एक बातों को जल्दी से देखें, उन किन बातों में वो अद्भुत रहा है, वंडरफुल रहा है, एक एक्सक्लूसिव रहा है। सबसे पहले अगर देखें उसके जन्म को लेकर के, अगर यीशु मसीह के जन्म को देखें, ही वॉज वंडरफुल इन हिज बर्थ। अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं उसके जन्म के बारे में 800 साल पहले ही बता दिया गया, आइज़या 9:6-7 अगर आप पढ़ें तो उसके जन्म के बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई। फिर उसके बाद से अगर हम देखें वो अद्भुत रहा है अपने पैदा होने में, उसका कंसेप्शन पवित्र आत्मा की सामर्थ से पैदा हुआ, असमान असंभव, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा से वो पैदा हुआ। अगर आप पढ़ें लूका 1:35, आइज़या 7:14, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, किसी लालसा से वो नहीं पैदा हुआ, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा से पैदा हुआ, एक पवित्र जन्म। उसके बाद से अगर हम देखें उसके पैदा होने के समय में हम देखते हैं स्वर्ग में, आसमान में चिन्ह दिखाई दिए, स्टार्स दिखाई दिया गया दिए, मत्ती 2:1-2:9 में अगर हम पढ़ें तो अद्भुत चिन्ह दिखाई दिए। उसके बाद से फिर हम आगे देखते हैं कि ज्ञानियों ने, मागीज ने आकर के यीशु मसीह को सिजदा किया, दंडवत किया, उसके लिए भेंट लाए, जो पूर्व के ये लोग थे, बड़े महान लोग थे, इन लोगों ने यीशु मसीह को आके सिजदा किया। उसके बाद से अगर हम देखें तो यीशु मसीह को जो नाम दिया गया वो परमेश्वर के द्वारा से दिया गया है, लूका 1:30-31 को अगर आप पढ़ें, और उस नाम का अर्थ है मुक्ति देने वाला, उद्धार देने वाला। तो ये नाम जो दिया गया यीशु मसीह को, उद्धार देने वाला, ऐसा किसी का नाम नहीं रहा। उसके बाद से यीशु मसीह के जन्म में परमेश्वर का विशेष संकल्प अगर आप पढ़ें लूका 2:10-11, मरकुस 10:45, मत्ती 1:21 में, वो ये कि यीशु मसीह के इस संसार में आने के द्वारा से उद्धार का कार्य पूरा हो और मनुष्य जाति को उद्धार मिले। फिर उसके बाद से और क्या हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म को लेकर के, यीशु मसीह के जन्म के द्वारा काल या एरा, पीरियड जो है वो डिवीजन में आ गया। ये बात आपने पहले भी सुनी है, मैंने भी शेयर की है और लोगों ने भी किया कि यीशु मसीह ने आ करके उस एरा को डिवाइड कर दिया, बीसी और एडी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब अन्नो डोमिनी, मतलब ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब कहने का यीशु मसीह बीच में आ गया, यीशु मसीह के पहले का एरा और यीशु मसीह के बाद का एरा। आज जो आप कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो क्रिश्चियन कैलेंडर है, दुनिया उसी तारीख को फॉलो करती है, शायद दुनिया में एक ही देश रहा और वो उसने भी अब वहां भी शायद परिवर्तन हुआ है, उसी क्रिश्चियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। यानी कि यीशु मसीह एक हिस्टोरिकल व्यक्तित्व रहा है जिसको कि कोई चुनौती नहीं दे सकता है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, अनूठा। उसने एरा यानी उसने पीरियड्स को ईसा पूर्व और उसके बाद से ईसा के बाद, इतिहास की पुस्तकें उठा करके देख लीजिए आप, जो पढ़ाई जाती हैं वहां भी आपको यही मिलेगा। फिर उसके बाद से हम देखें कि यीशु मसीह में और क्या क्या अद्भुतपन को देखते हैं अपने जन्म में। फिर दूसरा है
अपने लाइफस्टाइल में, यू नो, और आप अगर वचन पढ़ें तो आपको मिलेगा जब वो मंदिर में जाता है, लोगों को प्रचार करता है, लोगों से बातचीत करता है, यू नो, मंदिर की सफाई करता है, लोगों को करेक्ट करता है, इट्स समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव। यीशु मसीह अपने लाइफस्टाइल में बहुत ही अद्भुत रहा है। उसके बाद से अगर आप देखें उसकी सेवकाई में, यू नो, उसकी प्रीचिंग, यू नो, उसका प्रचार करना, उसका शिक्षा देना, उसका अद्भुत अद्भुत कार्य करना, ना, उसकी जो सेवकाई थी वो अपने में बड़ी अनूठी और बड़ी स्पेशल रही है, यू नो, और हम देख सकते हैं कि उसकी सेवकाई के द्वारा से किस प्रकार से अद्भुत बड़े कार्य हुए। तो यीशु मसीह अपनी सेवकाई में अद्भुत रहा है। उसके बाद से अगर आप आगे जाएं तो उसके मृत्यु और उसके ट्रायल और उसके मृत्यु में, हम जब सब जानते हैं यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उसको लाया गया पिलातुस के सामने, हन्ना के सामने, और पिलातुस जब उसको एग्जामिन कर रहा था, उसके बाद देख रहा था, उसके बारे में बात कर रहा था, तो वो लोगों से क्या कहता है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। अरे भैया, आप दोष नहीं पाते हैं तो फिर आपने मृत्यु दंड कैसे दिया? क्या कोई ऐसा जज रहा है संसार में जिसने बिना किसी फॉल्ट फाइंडिंग के, बिना किसी दोष के? लेकिन यीशु मसीह को बिना किसी दोष के कहता है वो गवर्नर पिलातुस कि उसमें कोई दोष नहीं, फिर भी उसको मृत्यु दंड दे दिया गया उसके ऊपर। और उस समय जब हुआ तो कई चीजों को हम देखते हैं जो कि घटित हुई, है ना, भुईडोल हुआ, अर्थक्वेक, मरे हुए लोग जी उठे। उसके पास वो जो सिपाही है, रोमी सिपाही, वो गवाही देता है कि निश्चित रूप से ये जो है परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह अपने ट्रायल में, अपनी मृत्यु में भी अद्भुत रहा है। उसके बाद से अगर हम देखें यीशु मसीह जो था, जी उठना यीशु मसीह का, यू नो, कोई भी इस प्रकार से जी नहीं उठा जैसे कि यीशु मसीह जी उठा। इस तथ्य को, इस सत्यता को छिपाने की कोशिश की गई। हम पढ़ते हैं ना कि जो वो लोग थे, जब जाकर के बताया गया कि यीशु मसीह वहां नहीं है, तो लोगों ने कहा जाके बोल दो कि यार उसके चेले आकर चुरा ले गए, यू नो, और यीशु मसीह के जी उठने की सत्यता को, यू नो, इस तथ्य को कई बार ऑप्रेस करने की, दबाने की कोशिश की गई कि यीशु मसीह जी नहीं उठा, लेकिन यीशु मसीह जी उठा, यू नो, एंड ही वाज यूनिक, स्पेशल, एक्सक्लूसिव इन हिज रिजरेक्शन। तो हमने देखा कि यीशु मसीह अपने जन्म में अद्भुत रहा, अपने लाइफस्टाइल में अद्भुत रहा, अपनी सेवकाई में अद्भुत रहा, अपने ट्रायल और मृत्यु में अद्भुत रहा, और जी उठने में अद्भुत रहा। सो व्हाट, और आज क्या है, इज वंडरफुल इवन टुडे, आज भी वो अद्भुत परमेश्वर है, क्योंकि आज भी वो लोगों के जीवनों को बदल रहा है, उद्धार दे रहा है, लोग सत्यता को जान के यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। कई गवाहियां हैं जो आप सुनते होंगे, आपने सुना है, मैंने सुना है, देखा समय नहीं है, लेकिन ऐसे कई गवाहियां कि लोग यीशु मसीह को जान करके और उस बात की गवाही दे रहे हैं, हमको उद्धारकर्ता मिल गया है। तो जो वंडरफुल, यू नो, हम देखते हैं यीशु मसीह अद्भुत था, वास्तव में अद्भुत यीशु मसीह रहा। फिर दूसरा नाम जो यीशु मसीह को दिया गया, युक्ति करने वाला, काउंसलर। और अगर आप इस काउंसलर जो शब्द है यहां, अगर आप इसके ओरिजिन में जाएं, तो ये काउंसलर शब्द का ओरिजिन जाता है पैराक्लिटोस, यू नो, पैराक्लिटोस, जिसका मतलब है, यू नो, सहायक, सहायक, सहायता करने वाला। और ये वही पैराक्लिटोस या वही काउंसलर है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1:8 में, और वहां पर लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया
और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, काउंसलर, सहायक, एंड व्हेन ही कम्स ओवर आवर लाइफ्स, हमारे जीवनों में जब ये कार्य करने लगता है तो हम क्या पाते हैं, सामर्थ पाते हैं। यू नो, पवित्र आत्मा का जरूर कार्य हम शुरू से देख सकते हैं, पुराने नियम में किस प्रकार से पवित्र आत्मा कार्य करता था, फिर उसके बाद से यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा किस प्रकार से कार्य करता था। और यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिया गया तो उसने इस बात की प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, एक काउंसलर भेजूंगा, यानी कि जो कार्य यीशु मसीह ने शुरू कर दिया था वो कार्य कंटिन्यू हो रहा था, वो चल रहा था इस सामर्थ के द्वारा से, इस काउंसलर के द्वारा से, यू नो, काउंसलर। और जब ये काउंसलर हमारे और आपके जीवन में आ जाता है, जब ये हमारे जीवनों का नियंत्रण ले लेता है, तो क्या होता है, हम सामर्थ पा करके अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। यू नो, मैंने कई बार आपको बताया, कई बार हम अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, यू नो, अपने एकेडमिक्स को इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इन सब का वैल्यू तो है, इम्पोर्टेंस तो है, बट लेकिन जब तक ये जो है इस सामर्थ से, इस काउंसलर से सैचुरेट नहीं हो जाता है, तब तक उसका मायने, उसका प्रभाव हम नहीं देख सकते हैं। यू नो, मैंने पहले भी बताया, उत्पत्ति एक अध्याय में आप पढ़िए तो वहां पर लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडौर और सुनसान पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी। फिर आगे लिखा हुआ, पवित्र परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडराता था, परमेश्वर का आत्मा वहां मंडराता था, अंधकार था, सुनसान था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और उसके बीच में क्या हो, देखते हैं, वचन आया, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो जाए। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा और जब परमेश्वर का वचन दोनों एक दूसरे के साथ मिले, तो वहां पर हम देखते हैं रीजनरेशन, यू नो, वहां पर मूव को देते हैं, चीजें मूव करने लगी। अगर आप इजिकियल 37 को पढ़ें, इजिकियल 37 अध्याय को, तो वहां पर क्या था, हड्डियां छितरी पड़ी हुई थी, बिखरी पड़ी हुई थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा का कार्य वहां पर होने लगा, सामर्थ का कार्य होने क्या लगा, तो वो जुड़ने लगे। मुझे नहीं मालूम आज आपकी परिस्थिति कैसी है, किस प्रकार की अवस्था में है, जरूर प्रेशर हो सकता है, जरूर स्ट्रगल हो सकता है, जरूर कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन काउंसलर यीशु मसीह का आत्मा आपके साथ है, और वो अगर आपके जीवन को नियंत्रण ले लेता है तो आपका जीवन समर जाता है, यू नो, फल फूलने लगता है, आशीषमय हो जाता है, आप अपने लिए आशीष का कारण बनते हैं, अपने परिवार में आशीष का कारण बनते हैं, अपनी कलीसिया में आशीष का कारण बनते हैं, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। काउंसलर, यू नो, यीशु मसीह को अपना काउंसलर बना लीजिए, यू नो, और अगर वो हमारे जीवन के को नियंत्रित कर लेता है, इससे बड़ी बात हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकती है। सो दूसरा जो है, हमने देखा जो नाम था यीशु मसीह के लिए इस आइज़िया 9:6 में इस्तेमाल हुआ, वो था काउंसलर, यानी कि सहायक, जो कि हमारे हर परिस्थिति में हमारी सहायता और मदद करने के लिए तैयार है। फिर तीसरा नाम जो इस्तेमाल किया गया है यीशु मसीह के लिए यहां पर, वो है माइटी गॉड, यू नो, पराक्रमी परमेश्वर। शुरू से अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक से उठा करके और परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य को हम देख सकते हैं, किस प्रकार से सृष्टि की रचना में, फिर उसके बाद से आप देखें किस प्रकार से वो नोहा के जीवन में और आगे चल करके अब्राहम के जीवन में, पैट्रियार्क्स के जीवन में, यू नो, उन कार्य करता है, अद्भुत तरीके से कार्य करता है, और फिर किस प्रकार से वो
अद्भुत तरीके से इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके ले जाता है, और वो परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है, यू नो, वो सामर्थी है हमें बचाने के लिए। क्या आप कहीं डर रहे हैं, यू नो, क्या आप अपने सराउंडिंग से डर रहे हैं, परिस्थितियों से लेकर के डर रहे हैं, या किसी बात को लेकर के डर रहे हैं? इज एबल टू प्रोटेक्ट यू इन योर सिचुएशन। वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। वो बचाता है, परीक्षाओं से बचाता है, यू नो, शत्रुओं से बचाता है, यू नो, परेशानियों से बचाता है। जरूर अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे और आते हैं जब तक कि हम और आप इस संसार में हैं, बट द लॉर्ड प्रोटेक्ट्स, बट द लॉर्ड सेव्स यू, यू नो, परमेश्वर बचाने वाला है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। और उसके सामर्थ को जरूर हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन स्वयं हम अपने जीवन में भी जानते हैं कि किस प्रकार से अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमारे जीवन में सामर्थ के कार्य किए। और ना कि वो सिर्फ हमें बचाता है, लेकिन वो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यू नो, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। यू हैव नीड टुडे, क्या आज आपकी आवश्यकताएं हैं? गॉड इज सफिशिएंट, इज गुड इनफ टू सप्लाई आवर नीड्स। कभी कभी हम सोचते हैं, अरे हम ये सोच रहे थे, हम वो सोच रहे थे, हमारे लिए ये नहीं हुआ। गॉड हैज प्रॉमिस्ड यू टू फुलफिल द नीड्स ऑफ योर लाइफ। आवश्यकताएं, नॉट डिमांड्स। और परमेश्वर सक्षम है, यू नो, नॉट ओनली ही प्रोटेक्ट्स यू, बट ही प्रोवाइड्स यू, ही विल टेक केयर ऑफ योर लाइफ्स। अगर आप उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, ही विल टेक केयर, यू नो, परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला है, सामर्थी परमेश्वर। उसके बाद से फिर अगर आप पढ़ें यूहन्ना 4:14-3 में, यू नो, सो ही प्रमोट्स, परमेश्वर जो है वो प्रमोट करने वाला है। और हमारे लिए उसने क्या प्रतिज्ञा दी है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यू नो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा, यू नो। गॉड हैज प्रॉमिस्ड हिज चिल्ड्रन टू प्रमोट टू ए प्लेस of, you know, blessings, आशीषों के स्थान पर वो हमको ले जाने के लिए है। सो परमेश्वर सामर्थी है हमें बचाने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और हमें बढ़ाने के लिए उसका है। और इसलिए हमें और आपको इस बात को जानने और सुनने और समझने की आवश्यकता है। माइटी गॉड, तो हमने देखा वंडरफुल, काउंसलर, और फिर माइटी गॉड। उसके बाद से अगर हम देखें तो क्या है, एवर लास्टिंग फादर, यानी कि अनंत काल का पिता। अधिकांश परिवारों में मैं ऐसा सोच सकता हूं, यू नो, पिता की जो इमेजरी है, जो लोग, यू नो, एक पिक्चर बना लेते हैं, अच्छी होती होगी, यू नो, पिता से हम प्यार करते हैं, यू नो, हमारा पिता है। अधिकांश मैं ऐसा सोचता हूँ, खास करके विश्वासियों के परिवारों में ऐसी ही एक इमेजरी होगी, या, यू नो, एक इस प्रकार की बातें होंगी। लेकिन कई बार ऐसा भी है कि पिता को लेकर के लोगों की जो पिता की लोग के तस्वीर बन जाती है, वो बड़ी अजीब सी होती है। चाहे हमारे पिता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब हम सोचते हैं अपने स्वर्ग पिता के बारे में, उसके समान हमारा सांसारिक पिता नहीं हो सकता है, यू नो। उस पिता ने, एवरलास्टिंग फादर ने हमसे इतना प्यार किया। बच्चे में लिखा, माँ भूल सकती है, यू नो, परिवार भूल सकता है, और दुनिया में आजकल जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या घटना घटित हो रही है, यू नो, यहां तक कि लोग अपने खुद के भाई को, खुद की बहन को, यू नो, सूली पर चढ़ा देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, यू नो, ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो एवरलास्टिंग फादर है, अनंत काल का पिता है,
वो एक प्रेमी परमेश्वर है और वो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके हमें बचा करके रखना चाहता है। उसने प्यार किया और उसका प्यार जो है वो अनमैच्ड प्यार रहा। He loved us so much, उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। यानी कि द बेस्ट गॉड है ही गेव फॉर अस, द बेस्ट फादर है ही गेव फॉर अस। हम लोग क्या देते हैं, हम लोग सोचते हैं अच्छा जी किसी को देना, अच्छा क्रिसमस में है ना, क्रिसमस का कुछ लोग आते हैं भैया आपका क्रिसमस है ना, ठीक है ये ले लो जी, ये ले लो पुराना वाला स्वेटर है ना, पुराना वाला टाई है, कोट है, ये ले लो सेकेंडरी। इन मोस्ट केसेस वी गिव पीपल सेकेंडरी, नॉट द बेस्ट। रेयरली या बिरले ऐसे हैं जो बेस्ट देना मांगते हैं। बट हियर वी लर्न दैट गॉड गेव द बेस्ट फॉर आवर लाइव्स, द बेस्ट फॉर अस। उसने हमको हमारे लिए अपना बेस्ट दिया और आज भी वो हमारे साथ बना रहना चाहता है, खड़े रहना चाहता है और वो हमेशा तैयार है कि हमारी परिस्थितियों में वो हमें इंटरवीन करके हमारी मदद करे। सो एवर लास्टिंग फादर। उसके बाद से फिर हम देखते हैं क्या है, पांचवा नाम जो है वो है प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव रिसीव्ड आफ्टर हैविंग सल्वेशन इन आवर लाइव्स इज गॉड्स पीस, है ना, परमेश्वर की शांति। उद्धार में जो सबसे बड़ी चीज हमने प्राप्त की है वो है शांति। आज संसार स्ट्रगल कर रहा है शांति पाने के लिए, लोग शांति को खोज रहे हैं किस में, वेल्थ में, मेंशंस में, ऑडी कार, इसमें लोग तलाश कर रहे हैं शांति। लेकिन वचन हमको दिखाता है या बताता है या सिखाता है, जो यीशु मसीह कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूं, वो नहीं शांति जैसा संसार देता है, लेकिन मेरी शांति समझ से परे है, अद्भुत शांति। क्या आज आप अपने जीवन में अशांति को महसूस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर के शायद कोई डर है, डर है, जॉब को लेकर के परेशानी हो रही है, फ्यूचर को लेकर के परेशानी हो रही है। जरूर इंसान होने के नाते ये बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कई एक गवाहियां आपने सुनी परमेश्वर के लोगों की, एकदम एट द स्पर्स, एकदम जैसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, उस समय परमेश्वर ने आके पकड़ लिया। और परमेश्वर आपको आपके सहने से बाहर की परिस्थितियों में नहीं डालेगा। परिस्थितियां अगर आती भी हैं, He'll take care of you. You and I need not to fear of anything. हमें और आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है, उसकी शांति हमारे साथ है। क्या आप किसी बात को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, पाप के परिणामों को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं? यीशु मसीह के पास वो शांति है। अगर यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी है, अगर यीशु मसीह आपके जीवन का उद्धार करता है, ही विल गिव यू अ काइंड ऑफ पीस जो कोई भी आपको नहीं दे सकता है। सो शांति का राजकुमार, यानी कि परमेश्वर की शांति, जो परमेश्वर ने हमें और आपको उसकी संतान होने के कारण से दिया है, वो शांति। तो हमने देखा आज कि यशाया जो है यीशु मसीह के जन्म से 800 साल पहले जो भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह के संसार में आने की, और वो नामों को जो दर्शाता है, उन नामों के पीछे कई एक बातें छिपी हुई हैं, उन नामों के पीछे संदेश छिपे हुए हैं। और अगर उन संदेश को हम अपने जीवनों में ले लेते हैं, लागू कर लेते हैं, तो हमारा जीवन
संवर जाएगा। हमें और आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। हालेलुया। प्रियो, आज की आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म सारे मानव जाति के लिए एक अद्भुत जन्म है और प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के उद्धार करने के लिए अद्भुत तरीके से मानव का रूप धारण करके संसार में आए। हालेलुया। सो परमेश्वर के इस अगम सनातन प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले हम प्रार्थना करके आज की सभा को हम समाप्त करें, मैं चाहूंगा कि हमारे पास में कुछ अनाउंसमेंट है आपके सम्मुख रखूंगा, फिर इसके बाद हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम लोग समाप्त करेंगे। सो आने वाले मंगलवार को जैसे हर हफ्ता सभा होती है, बाइबल स्टडी होती है, आने वाले हफ्ते में नहीं होगी और ये पूरे दिसंबर तक नहीं होगी क्योंकि हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। इसीलिए जनवरी से हम फिर से मंगलवार बाइबल स्टडी को हम लोग शुरू करेंगे, परंतु थर्सडे जो है गुरुवार की मध्य साप्ताहिक आराधना वो जारी रहेगी। और आने वाले 17 तारीख को जो थर्सडे है हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर प्रवीण पॉल पुणे से हमारे बीच में होंगे और वो प्रभु का वचन हमारे बीच में बांटेंगे। और शनिवार को बच्चों का कार्यक्रम होगा और इतवार को, आने वाले इतवार में भी हमारी सभा जो है वो ऑनलाइन में ही होगी। और हर रविवार को भी और हर थर्सडे में भी हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग प्रभु के दासों को आपके सन्मुख लाएं और उनके द्वारा आप जो है प्रभु के आशीष में वचनों को आप सुन सके। सो आने वाले रविवार में भी प्रभु के दास हमारे बीच में होंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को समाप्त करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके अगम्य सनातन प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि सारे प्रभु जी पापी मानव से आपने इस प्रकार से प्रेम किया प्रभु कि आपने स्वर्ग को छोड़कर मानव का रूप धारण करके संसार में आ गए प्रभु जी। अद्भुत रीति से महान परमेश्वर, जो असंभव था प्रभु उसको आप संभव करके महान परमेश्वर इस धरती पर आके महान परमेश्वर हम सारे मानव जाति के लिए एक उद्धार का मार्ग आपने बना दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं और विशेष तरीके से प्रभु जी आप जितने भाई बहन आज प्रभु जी इस सभा में जुड़े थे हम प्रार्थना करते हैं पिता तेरी अनुग्रह तेरी दया और आपकी कृपा प्यारे प्रभु जी एक एक भाई बहनों के साथ हो महान परमेश्वर। हम नहीं जानते प्रभु जी कौन किस प्रकार के संकट से प्रभु जी परिस्थिति से गुजर रहे हैं परंतु आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जीवन की आवश्यकता के अनुसार प्रभु जिनको चंगाई की आवश्यकता है प्रभु यीशु के नाम से उनको चंगाई मिलने पाए महान परमेश्वर। जिनके जीवन में कोई अन्य समस्या है जिससे छुटकारा चाहते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी उस समस्या से वो छुटकारा प्राप्त कर सके महान परमेश्वर। जिसके जीवन में प्रभु जी आर्थिक कमी घटी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप उनके जीवन के हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जी आप पूरी कर दीजिए महान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम एक एक को आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज तक आपने प्रभु जी इस धरती पर हम सबों को जीवित रखा सुरक्षित रखा इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं और ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे।